नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स हम बनाएंगे अम्ब्रेला कट फ्लेट वाली। इसमें आगे की साइड काफ़ी घेर होंगे अम्ब्रेला कट, और आप इसको गाउन के साथ या फ्रॉक वाली कुर्ती के साथ या वैलून टॉप के साथ, मतलब जो भी आप फ्लेटेड कुछ भी ड्रेस तैयार कर रहे हों तो आप उसके साथ ये स्लीव्स तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है और ये रेशम का धागा लिया है। पहले हम इसमें एक सिंपल स्लीव्स कट करेंगे अपने शोल्डर से कोहनी तक। अपना मेजरमेंट लेंगे शोल्डर से कोहनी तक, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो 10 इंच है। तो 10 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 11 इंच की हम पहले सिंपल स्लीव्स कट करेंगे। यहाँ से हमने 9 इंच लिया है क्योंकि जो हम ऊपर का आर्म होल की गोलाई रखते हैं वो अपनी चेस्ट का फोर्थ भाग और -1 इंच रखते हैं। तो यहाँ हमने ये 9 इंच रखा है और यहाँ से हम ये 11 इंच रखेंगे। ये 1 इंच हमने सिलाई के लिए फोल्ड किया है, नीचे भी सिलाई आएगी और ऊपर की साइड भी। यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 3 या 3.5 इंच, क्योंकि हमें एक गोलाई के लिए चाहिए। और यहाँ से जितनी भी हमारी कोहनी के ऊपर की गोलाई है वो रखेंगे और एक्स्ट्रा रखेंगे 1 इंच सिलाई के लिए। अब हम इसको यहाँ पर मिला देंगे और ये स्लीव यहाँ से कट करेंगे। इस तरह पहले हमने ये सिंपल स्लीव्स कट कर ली है। यहाँ से इसकी हमने लंबाई 11 इंच रखी है। अब हम इसको इस तरह 4 तह में फोल्ड कर लेंगे इसका नीचे का घेर तैयार करने के लिए, क्योंकि जितनी हमारी ये गोलाई है उतना ही हमें नीचे का घेर तैयार करना होगा। अच्छी घेर वाली स्लीव्स बनाने के लिए हम फैब्रिक को डबल करेंगे, यानी कि एक कोना इस साइड कर लेंगे, एक कोना दूसरी साइड कर लेंगे। इससे हमारे ज़्यादा घेर आएंगे और स्लीव बहुत सुंदर लगेगी। इसको मिला लेंगे अच्छे से फैब्रिक को और फिर इसका हम एक कोना तैयार करेंगे इस तरह। अब हमने जो स्लीव्स कट की है अपनी उसकी 4 तह करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि इसके हमारे अलग अलग 2 पीस कट होंगे तो हमें इसमें ज्वाइंट लगाना होगा। तो इसको थोड़ा नीचे की साइड रखेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा हमारा ये एक्स्ट्रा आ जाए। अब जितनी भी हमें लेंथ रखनी है उस पर निशान लगा लेंगे। ये हम निशान 9.5 इंच पर लगा रहे हैं क्योंकि सिलाई वगैरह आएगी। यहाँ से हम इसको 1/2 इंच नीचे रखेंगे बंद की साइड से। ये हमारे देखिए कितने ज़्यादा फ्लेड आए हैं, अब बहुत सुंदर लगेगी स्लीव बनने के बाद। अब हम इसमें एक साइड ज्वाइंट लगा लेंगे पहले। जहाँ पर हमने ये जॉइंट लगाया है यहाँ पर इसका ये सेंटर आ गया है। अब यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमने ये एक कट लगा लिया है। अब हम इसको सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और अपनी स्लीव्स जॉइंट कर देंगे।
अब हम इसमें ये साइड की सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमने यहाँ पर ये साइड की सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी जो नीचे की गोलाई है उसको फोल्ड करेंगे। पहले इसको सीधा कर लेंगे। तो हम इसको एक बार लेंगे और फिर दूसरी बार लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर ये फोल्ड कर लिया है और हमने ये बहुत ही बारीक फोल्ड किया है। देखिए बहुत बारीक फोल्ड किया है। अगर आप इसमें पीको करा लें तो पीको भी बहुत सुंदर लगेगी। ये स्लीव हमारी तैयार हो गई है। अब हम रेशम का धागा लेंगे और उसकी लटकन तैयार करेंगे। ये हमने एक डब्बी ली है प्लास्टिक की और ये धागा लिया है। अब हम इसको इसके ऊपर लपेट देंगे। चाहे तो आप इसको इस तरह बांध सकते हैं और या फिर इसमें अगर ये लंबा है आपका थोड़ा तो इस तरह इसको गांठ भी लगा सकते हैं और फिर लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से कट कर दें। इसी तरह हमने ये काफ़ी तैयार करके पहले से ही रखे हैं। अब हम अपनी स्लीव लेंगे और जो ये नीचे की गोलाई है यहाँ पर निशान लगा लेंगे क्योंकि निशान लगाने से ये बराबर आएंगे। तो यहाँ पर हम ये 3.5-3 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये निशान दोनों साइड आने चाहिए क्योंकि ये बराबर आएंगे दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। और ये एक सेंटर में आएगा। इसको इस तरह सेट करेंगे। जो ये अंदर वाली हमारी सिलाई है यहाँ पर अपनी नीडल को इस तरह निकालेंगे और इसको जो ये इसकी ऊपर का पोर्शन है इसको अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह पक्का कर देंगे। इसी तरह ये दूसरा लेंगे, इसको भी बैक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये जब सीधा होगा तो ये हमारा कुछ इस तरह आएगा।
इसी तरह हमने जहाँ पर भी ये निशान लगाए हैं अपनी ये लटकन सेट कर लेंगे। इस तरह ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है और ये देखिए कितने प्यारे फ्लेयर आए हैं और ये लटकन लगाने से इसका गेटअप बढ़ गया है। ये हमने जो स्लीव बनाई है ये हमने रेडीमेड कुर्ती में देखी थी, एकदम नया कलेक्शन है, तो हमने भी आपको ये स्लीव बनानी सिखाई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई अपडेट पाने के लिए।